आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन ज़ैनब और कुलसुम यतीम हो गई, इमाम हसन और इमाम हुसैन बिन बाप के हो गए। कूफे के यतीमों के लबों पर एक फरियाद है, एक बुका है, एक नौहा है कि हम यतीमों का बाप कहाँ चला गया। आज़ादारों, बड़ी कयामत की तारीख है जब मौला के फर्क मुबारक पर ज़रूरत लगी है और आपको चिताई में लिटा कर बैतु शरफ लाया गया। जिस वक्त तबीब आया है और जख्म को देखा तो उसके बाद कहता है कि अहले बैत से कहता है कि जितना हो सके मौला को दूध पिलाया जाए, शायद जहर का असर कुछ कम हो जाए। अज़ादारों, ये खबर कूफे में फैलना थी कि मौला के चाहने वाले छोटे छोटे बर्तनों में दूध लेकर के आ गए हैं, शायद हमारे मौला के जख्म को मुंतमिल हो जाए। मैं कहूँगा या अली, आज आपके जख्म के लिए दूध देने वाले इतने मौजूद, लेकिन करबला का हुसैन दूध पीते बच्चे के लिए पानी मांग रहे हैं। उसी मौके पर मौला ने हमें याद किया है, मेरे शियो, काश तुम करबला में होते तो देखते कि हुसैन किस तरीके से इस नन्हे बच्चे के लिए पानी मांग रहा है। आज़ादारों, 19 का दिन गुजरा, 20 का दिन गुजरा और अब जो रात आई है तो कायनात का अमीर दुनिया से रुखसत हो गया, दुनिया अमीरुल मोमिनीन से खाली हो गई। आज़ादार, मौला की वसीयत के मुताबिक आपको रात में गुस्ल दिया गया, रात में कफन दिया गया, रात में जनाजा उठा। आज़ादार, बहुत सारी वजह हो सकती है कि मौला ने ये वसीयत क्यों की कि रात को मेरा जनाजा उठाया जाए। होना तो ये चाहिए था कि खलीफे रसूल का जनाजा है, अमीरुल मोमिनीन का जनाजा है, शान से उठना चाहिए था, एक जमे गफीर होना चाहिए था। फिर क्या वजह थी कि आगे से फरिश्ते जनाजा उठाए हुए हैं, पीछे से हसनैन का अंधा दिए हुए हैं, कुछ मखसूस असहाब के साथ जनाजा उठ रहा है। हमारे उस्ताद बयान करते हैं, शायद इसकी एक वजह ये रही हो कि मौला कहें कि अली जिससे मोहब्बत करता था उस फातिमा का जनाजा तो रात की तारीकी में उठा। ये कैसे हो सकता है कि अली का जनाजा आज़ादारों जनाजा उठा और लाकर के मौला कायनात को इमाम हसन इमाम हुसैन ने उस गर्रा के मकाम पर के जहां पर पहले से कब्र तैयार थी, एक तरफ जनाबे आदम आराम कर रहे हैं, एक तरफ जनाबे नूह आराम कर रहे हैं, इमाम अली को वहां पर सुपुर्द लहद कर दिया। आज़ादारों, मज़लूमियत का आलम यह है कि दफन करने के बाद निशाने कब्र को मिटा दिया। आज़ादारों, आप जानते हैं मौला कायनात की कब्र का निशान आपकी शहादत के बाद से मख्फी था। छठे इमाम के जमाने में जब बनी अब्बास की हुकूमत आई है तब जाकर के ये निशान आश्कार हुआ, उसके बाद वहां पर रोजा बना। मैं कहूंगा मौला, ये क्या वजह थी? इमाम हसन, क्या वजह थी पापा की कब्र के निशान को मिटा दिया? का हो सकता था कि मेरे पापा की शहादत के बाद, उनको दफन करने के बाद भी जो लोग दिल में कीना लिए हुए थे मेरे पापा की कब्र की बेहुर्मती करते, इसलिए मैंने निशान कब्र मिटा दिया। हाँ मौला कायनात, आपकी निशान कब्र मिटा दी गई 100 साल के बाद। कुछ साल के बाद एक जमाना ऐसा तो आया कि जब दोबारा कब्र आश्कार हुई, आपकी कब्र पे रोजा बना, लेकिन एक अली की कब्र और है जिसे हुसैन ने सुपुर्द खाक कर दिया था, लेकिन जब शहदा करबला के सरों को गिना गया, एक मरतबा आवाज बुलंद हुई, वो नन्ना बच्चा कहां है?
ये जनाजा है अली का, ये जनाजा।
शबीर का ये जनाजा ورحمة الله وبركاته.